अगर आप भी साइंस फिक्शन मूवी देखने के फैन हैं तो आपने स्टार वॉर्स की मूवीज तो देखी होंगी। अगर नहीं देखी और अगर आप देखने जा रहे हैं तो आपको स्टोरी ही नहीं समझ आएगी, क्योंकि भाई 1977 से इनकी मूवीज चलती आ रही हैं और आगे भी चलेंगी। जो 40 साल पहले एक्टर थे अभी भी इन मूवीज में काम कर रहे हैं, तो आपको स्टोरी कहाँ से समझ आएगी। कोई भी एक मूवी ले लीजिए स्टार वॉर्स की, अगर आप उन्हें देखने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहानी जा कहाँ रही है, तो चिंता मुक्त हो जाएगी। क्योंकि ये वीडियो में है कैजुअल फैंस के लिए एक ऐसा ऑर्डर, अगर आपने उस ऑर्डर के द्वारा इस मूवीज को देखा तो आपको अच्छी तरह से कहानी समझ आ जाएगी। वैसे दो ऑर्डर में ये मूवी रिलीज की गई है, वो भी ऑर्डर एक सही है, आपको स्टोरी समझ आएगी, पर भाई बात यहाँ पर टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि 1977 में कुछ और था और अब कुछ और है। और अगर हम बात करें इस फ्रेंचाइजी की, तो ये वर्ल्ड की सेकेंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग सीरीज है। तो इसकी शुरुआत हुई 1977 में इसके फर्स्ट पार्ट या फिर कहें फोर्थ पार्ट अ न्यू होप के साथ। वैसे ज्यादातर मूवीज आपने देखी होंगी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे रिलीज होती हैं, पर इनके साथ कुछ उलट था, इसका ऑर्डर कुछ और तरीके का है। इनका पहले आया फोर्थ पार्ट 1977 में अ न्यू होप, और 1980 में पांचवा पार्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, और उसके बाद 1983 में द रिटर्न ऑफ द जेडाई सिक्स्थ पार्ट, और इसको कहा गया था ओरिजिनल ट्रायोलॉजी। और इसके 15 या 16 साल बाद इसके फर्स्ट पार्ट को रिलीज किया गया द फैंटम मेनेस 1999 में। देखिए कुछ इसी तरीके का ऑर्डर है। और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो 2002 में आया द अटैक्स ऑफ द क्लोन्स, उसके बाद थर्ड पार्ट 2005 में द रिवेंज ऑफ द सिथ, और वो एक प्रीक्वल ट्रायोलॉजी थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सीरीज की शुरुआत किसने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जॉर्ज लुकास ने सीरीज की शुरुआत की अपने लुकास फिल्म्स के अंडर, पर बाद में जाकर उसे डिज्नी ने खरीद लिया, क्योंकि डिज्नी ने सब कुछ खरीद लिया, चाहे वो मार्वल क्यों ना हो। पर बाद में डिज्नी ने एक फैसला लिया कि वो इसके ऊपर स्टैंड अलोन मूवीज और ओरिजिनल मूवीज को बनाएगी, और एनिमेटेड सीरीज और कार्टून सीरीज टीवी सीरीज और एनिमेटेड मूवीज के साथ। और इसके बाद 2008 में द क्लोन वॉर्स नाम की एक मूवी को रिलीज किया गया जो दूसरे और तीसरे पार्ट के बीच की कहानी थी। वो फाइनली 2015 में सातवां पार्ट इस सीरीज का रिलीज किया गया द फोर्स अवेकन्स, और 2016 में द रोग वन जो फोर्थ पार्ट के एग्जैक्ट पहले की कहानी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिज्नी स्टैंड अलोन मूवीज बनाती है, द रोग वन एक स्टैंड अलोन मूवी ही थी। और 2017 में द लास्ट जेडाई आठवां पार्ट जो सीक्वल ट्रायोलॉजी का सेकंड पार्ट था, और इसके बाद अब 2019 में मूवी आएगी नाइन्थ पार्ट है वो, उसका अभी तक नाम नहीं रखा गया है। और इसी साल 2018 में सोलो जो हैंड सोलो के नाम के करेक्टर के ऊपर मूवी है, स्टैंड अलोन मूवी बनाई गई थी। और 2020 में बोबा फेट के नाम के ऊपर भी एक सोलो मूवी आएगी, ये मुझे नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट डेट क्या है, कब आएगी। पर ये था एक ऑर्डर जो आपको देखना चाहिए, इस ऑर्डर में आपको मूवीज को चाहे आप पहला दूसरा तीसरा पहले देख लें या फिर चौथा पांचवा छठा बाद में देख लें, तो बात यहाँ पर टेक्नोलॉजी की निकल के आती है। क्योंकि भाई ये सब तो आपको समझ आएगा मूवीज देखने के बाद ही, क्योंकि जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ वो आपके सिर के ऊपर से ही निकल रहा होगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रीक्वल सीक्वल ट्रायोलॉजीज ये सब का मतलब कुछ और है, मूवीज देखने के बाद ही आपको ये सब समझ आएगा। तो दोस्तों ये था ऑर्डर, ये था टाइमलाइन स्टार वॉर्स को समझने का। और देखिए जाइए और मुझे बाद में कमेंट्स में बताइए कि आपको मूवीज कैसी लगी। और ऊपर से अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल हो इस वीडियो के रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।